जित गई भी जित गई इंडिया जित गई। फाइनली एशिया कप हो गया खत्म, वर्ल्ड कप होना हुण शुरू। ते हुण वर्ल्ड कप दे लई हो जो तैयार, अहमदाबाद दे विच इंडिया वर्सस पाकिस्तान। कल जिहड़ा कमाल हो गया ना यार मैच दे दौरान, एशिया कप दा फाइनल सी। मैं सोचा यारां दोस्तां नाल बैठ के आपां आराम नाल जिहड़ा मैच देखांगे। मैं चिप चिप्स लैण गया, कोल्ड ड्रिंक्स करा लैण गया, ते जदों मैं वापस आया ते मैच ही खत्म हो गया। मैं क्या है इंडिया जित भी गई, मतलब एड्डा कुछ जबरदस्त मैच होया कि कमाल ही हो गई यार। तो एक रही कमेडी का एक रिएक्शन है, देखते हैं तुहाडे नाल, करते हैं वीडियो शुरू बिना किसी देर तो। आ जाओ, कल वैसे कमाल करती इंडियन प्लेयर्स ने, पर इंडिया जित जरूर गया है ना, कॉन्ग्रेचुलेशनस सारियां नूं इहदे लई। लेकिन मैच थोड़ा ताकड़ होना चाहिए सी यार, एशिया कप फाइनल सीगा यार, फिर भी मतलब की हो रहा सी, इदां प्लेयर उन्होंने विकटां डाइयां कि चलो अगे देखते हैं। आ जाओ, पर सारे इंडियंस नू बहुत बहुत वधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, ते मजा आ गया वैसे। चलो देखते हैं। मोहम्मद सिराज, सिराज हाँ, क्या बात है। क्यों पर जैसे वो तिक्के लगाए हुए होते, एक दो तीन चार पांच, उस तरह पांच छह श्रीलंकन बैट्समैन को यू चिपका के जो है बॉय ने सेका है गर्मी के ऊपर, पंखे मार रहे ऊपर से एक्सपर्ट की तरह जाना बॉय ने। इतना कोई यार ये कोई ये तरीका होता है यार, इस तरह फाइनल में आके किसी को ट्रीट किया जाता है भाई, इनको लाते ही ना बाउंड्री तक, कितना भजन जा रहा है, भजदा जा रहा है, जा रहा है। ट्रीट करना था आप लोगों ने, अगले बेचारे जो है, एक तो होम ग्राउंड उनका, आवाम सारी उनकी बैठी हुई है, फाइनलिस्ट आए हैं, कोई यार थोड़ा तरीका होता है। इसके अलावा कोई ड्रेसिंग रूम से भी हमारी खबरें आ रही हैं, हमने मेरे ख्याल में पिछली भी कुछ वीडियो के अंदर इसे डिस्कस किया था कि यार ये जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, उससे तो पता चल रहा है कि आपस में कुछ चल रहा है। असल में तो फिर हमारी बड़ी तेज होती है ना दोस्त। खैर इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इंट्रो देख ले। कई वीडियोस दे विच इदां भी आउंदे सीगा कि जिहड़े पाकिस्तानी जो ड्रेसिंग रूम दे विच शाहीन ते बाबर दी फाइट हुई है, एंड लग भी रहा उन्हों के फेशियल एक्सप्रैशन तो, जो लास्ट मैच से पता नहीं पाकिस्तानी टीम के की चल रहा, जो नसीम ते हारिस बाहर गए से, उस तो बाद काम जरा खराब भी सी, पर देखते हैं यार आज इंडिया की जो मोमेंट है, इंडिया जितते है, आओ देख दिया है इंडिया के साथ। मोहम्मद सिराज, मैं इस पापी राजा को अपनी बेटी का हाथ देकर इसको अपना दामाद बनाना चाहूंगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉलिंग, खूबसूरत बॉलिंग करा करा के, और वो भी ओपनिंग स्पेल के, एक ओवर के अंदर बॉय ने चार आउट कर दिए। इनफैक्ट बुमराह ने पहला आउट किया था, मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा कि इनसे 150 भी नहीं होना आज, लिखवा लो मुझसे। नॉर्मली मेरे गेसेस जो है वो आगे पीछे कहीं करीब करीब होते हैं 20-25, 100 रन ज्यादा मैंने बता दी तो उनसे 50 भी नहीं हुआ, मासूम से 50 होगा। खैर बंदा संडे का पूरा प्लान बनाता है, ये कहते हैं स्पेशली ओडिया के अंदर यही होता है कि पहली इनिंग ना उसके अंदर जो भी काम शाम छोटे मोटे निपटाने बस वो करके ना, जो ऐसे 40 ओवर के बाद कम से कम वो देखना शुरू कर देंगे पहली इनिंग्स, और सेकंड इनिंग्स जो है रात गए तक एंजॉय करेंगे अगले ने। अभी तो ये कोई 2-3 घंटे का जो मैच हुआ उसके अंदर 1.5 घंटा तो बारिश खा गई, वरना वो भी खत्म से इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर हर मैच के अंदर कोई एक चीज अगर कांस्टेंट रही है ना, तो वो इस बंदे को जो गालियां पड़ती रही हैं वो ही रही हैं, क्योंकि हर मैच में बारिश हुई है, और जब बारिश हुई है ग्राउंड के अंदर इसका दस्तरखान आया, इसने बैठ के उधर खाने नोश फरमाए हैं, तो इसी को ही गालियां पड़ी हैं, हर मैच में इस बॉय ने गालियां खाई। और आज पहुंचा हुआ भी था सेरेमनी के ऊपर, एंड में जो है बहुत फखरिया तौर पर खड़े हुए थे वहां पर। और उसके ऊपर एक और सवाल ये भी है कि टूर्नामेंट के होस्ट तो हम हैं, हमारे जका अशरफ साहब तो खड़े भी नहीं थे उधर, बाकी सब आए हुए थे, सब बोर्ड के लोग थे, हमारे जका भाई किधर है। बड़ा कोई यादगार और बड़ा कोई घटिया तरीन टूर्नामेंट, एक तो हम आए नहीं, सही गल है, इस बार एशिया कप च मजा ही नहीं आया, कोई सिस्टम ही नहीं सीगा। अब एशिया कप थोड़ा सीगा, ये बारिश का टूर्नामेंट होया सी, पाकिस्तानी क्रिकेट कोच पता नहीं कितने है हुण, जिहड़ा ये प्रबंधक पता नहीं कितने फिरते है, कोई है ही नहीं सिस्टम, फाइनल में नहीं आए, ऊपर से इतनी कोई घटिया हरकतें पाकिस्तान के साथ इन्होंने की हैं, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा जो थर्ड क्लास हरकतें हुई। खैर वापस आते हैं सिराज के ऊपर यार, एक ओवर के अंदर 4 विकेटें ने शुरू में ली हैं, गत्ती वत्ती भी निकाल लेते हैं हम, गत्ती गत्ती करते रह गए, वो जो है अगला बंदा विकेट लेके चला गया। लेकिन वैसे एक बात आपको बताऊं, जो पहला ओवर खेला था ना भूमि ने, जो उसकी स्विंगे शुंगे हो रही थी और जो वो निकल रही थी उसकी बॉलें, इससे बेहतर बॉलिंग उसकी हो रही थी, और मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर भी, मैंने वीडियो बनाई थी जब उसके ऊपर बयान आ रहे थे कि हम जो हैं वो नसीम को खेलते हैं उसको खेलते हैं, मैं अब्दुल्ला ने कहा था कि हारिस ने कहा था, उसके ऊपर वीडियो है ये एशिया कप से पहले की, जिसके अंदर मैंने कहा था कि बेटा इतना ऊंचा मत उड़ो, क्योंकि जब हम ऊंचा उड़े हम जलील होकर जमीन के ऊपर गिरे, और क्या कोई जिल्लत आजमाई हुई। आया आया, एक तो होता है वन डे, एक होता है टू डे के अंदर, वन डे और टू के टू डेज जो है हम जलील ही होते हैं, मतलब वन डे का फिर भी जो है बंदा कहीं ना कहीं जो इंडिया पाकिस्तान का लास्ट मैच हुआ खत्म हो गया, ये तो पूरी रात सुलाया सोच सोच के उसके बारे में, और फिर अगले दिन जब उठे भी हैं तो बस जलील होने के लिए सिर्फ उठते, बारिश का इंतजार कर करके उसके बाद जब शुरू हुआ तो बस
जिल्लती हुई। खैर बेहतरीन बॉलिंग हो रही थी, पेस बॉलिंग हुई है आज, और वही मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना, मेरे इंडियन दोस्तों जो बात पेस बॉलिंग की होती है ना, बैटिंग वैटिंग की नहीं होती। 6 छक्के मार दो, 60 छक्के मार लो, जो मर्जी मार लो, जब फास्ट बॉलर्स अपनी प्राइम में होते हैं ना और विकटें निकल रही होती हैं। अभी तो ये फिर बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया था, लेकिन अगर अभी सोचो ना कि इन्होंने बनाए होते कोई 170 रन बनाए होते और दूसरी तरफ से इनके फास्ट बॉलर जो हैं वो भी कोई आउट कर रहे होते तो फिर भी कोई मज़ा आता। लेकिन देखो ना, इतना कोई वन साइडेड हुआ है कि नॉर्मली जब इस तरह हो रहा था ना, बंदा कहता है यार पिच बिल्कुल ही जो है वो माटी थी बेचारे, पिच के अंदर कुछ नहीं था। अगर पिच के अंदर इस तरह कुछ होता ना तो वो 50 चेस करते हुए कम से कम इंडिया के भी कोई एक दो आउट हो जाते तो बंदा कहता है कि हाँ यार देखो ईजी नहीं था, इनके 3 आउट तो इनके भी हो गए थे 50 के ऊपर, वो बेचारे बिल्कुल ही लेट गए, लेकिन ये पिच ही मुश्किल थी, ऐसा कुछ भी नहीं। ओ कुछ मेरा भी नहीं दोस्त भाई। गिली बिली प्रिंस जो है वो आया इधर से, मेरा दोस्त ईशी किशी आया, स्मूथली छक्के चौके चौके दो दो से निकाल निकाल के उन्होंने 50 रन बनाए, मुंह पे मारा ट्रॉफी उठाई। ओ प्या जान, सिराज ने कैश प्राइज मिला था इस मैच के ऊपर, वो भी उसने डेडिकेट कर दी, वो जो ग्राउंड स्टाफ था ना जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में बेसिकली तो वही बेचारे काम करते हैं, प्लेयर्स तो बाहर ही बैठे हैं, उनको डेडिकेट कर दी। मेरा ख्याल क्योंकि इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हुई है ग्राउंड स्टाफ दी, ਕੀ ਕਵਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੱਖੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਰੋਲਰ, ਕਦੇ ਸਪੰਜ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। वेरी गुड ब्रो यार, हैट्स ऑफ। तो ये बंदा है ना, ये जो जेश है, इसकी पूरी सैलरी उनको दे देनी चाहिए भाई, जितना उनसे काम कराया है इसने अपनी जिद में आके। खैर वो कह रहे थे कि यार स्पिनर्स की विकेट है, स्पिनर्स जो टर्न होगी वो होगी उनका पेसर जो है सिराज ने आके जो मारा है तोबा। अच्छा वो एक साइड पे आउट किया जा रहा है, दूसरी साइड के ऊपर जो श्रीलंकन बैटर था मेंडिस वो खड़ा देख रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पहले टांगे कांपना शुरू हुई हैं, फिर पसीने छूटना शुरू हुए, फिर उसको समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या। वो होता है ना, वो एक जो ज़िबा खाना होता है उसके अंदर एक मुर्गी कसाई जो है वो ज़िबा कर रहा होता है, बाकी सारे पिंजरों में जो है ना वो सकते में गई होती हैं, देखते हैं कि ये तो हमारा दोस्त ही था जो अभी शायद हमारी ये इधर मेरी पीछे ये चिपका हुआ था, इसको उठा के लेके गए और उसको ज़िबा कर रहे, वो चीख रही है वहाँ से, वो उनको देख रही होती कि बचाओ बचाओ, और ये बाकी मुर्गियाँ जो है ना वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही होती कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हमें खाना खिलाता था हमारा कसाई दोस्त जो है, ये तो हमारा बड़ा ख्याल रखता था, हम हिलते भी नहीं थे, इधर ही पड़े रहते थे, बस रोज़ाना की रोटी खा रहे थे, दाने खा रहे थे, और अब जो ये ज़िबा और ये तकलीफ में, ये हम में से है, कोई डिनाइल में होते हैं। उसी तरह मेंडिस भी खड़ा हुआ डिनाइल में था, उधर दूसरे एंड पे जो उसके जितने भी टीममेट्स है वो बेचारे चीखे मार रहे हैं खुदा के लिए बचाओ, खुदा के लिए, खुदा, तड़प रहे, आउट होते जा रहे, और मेंडिस इधर से खड़ा हुआ देख। जो विराट कोहली था जेड़ा हासा सी ना, उन्हें मैच लुट लिया यार, मतलब वो जेड़ी स्माइल सी ना वो भी खुद करे होगी रहा उसने वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है, इससे ज्यादा टॉर्चर हो नहीं सकता, इससे बेहतर ही यही है कि वो मासूम भी खुद ही आउट हो जाए, मुर्गी जो है ज़िबा हो जाए तो वो तो फिर भी चली जाती है, तो पीछे रह जाती है शौक के अंदर कि हमने क्या देख लिया, वो वाला हाल मेंडिस के साथ। खैर बेहतरीन फील्ड वगैरह, एक आउट हुआ था तो मुझे पता था कि अभी शर्मा जो है फुल चढ़ जाएगा, उसने भी 4 4 स्लिप में लिए हुए बंदे खड़े में, एक तो वो उसने 4 खड़े किए हुए थे, हैट्रिक पे था ये, और वो लॉन्ग ऑन की तरफ से हल्का सा पुश किया बॉल को, और सिराज की तरह खुद जो है उसके पीछे भाग रहा था, पूरी टीम भी हंस रही है, चौका भी हो गया, मजा आया यार, जबरदस्त मैच खेले सही यार, मर्दों वाली क्रिकेट खेली। बाबर को चाहिए कि बालों से पकड़ के ना हमारे जितने भी जो पेसर्स हैं उनको ना टीवी के सामने खड़ा कर देता, कि इस तरह होती है तेज गति में, इस तरह होती है तेज गति। हर कोई कह रहा जी उसने टॉस जीत के गलत फैसला लिया, ये लिया वो लिया, भाई बॉलर्स आपके हर मैच में पिटे, सिवाय पहला मैच जो इंडिया के खिलाफ किया था जिसके अंदर इनको आउट कर लिया था, कुछ 4 5 आउट किए हुए थे, उसके बाद ही बीच में काफ़ी लंबी पार्टनरशिप की थी ईशी किशी और पांड्या ने, लेकिन चलो 250 260 जो है कम से कम फिर भी कुछ वो ऐसी चीज़ है कि इन पे जिस पे आप चेज भी कर सकते हैं। लेकिन उस मैच के अलावा हमारे बॉलर्स ने किसी भी मैच के अंदर कुछ नहीं किया, अभी जो श्रीलंका वाला मैच भी था उसके अंदर भी हमने क्या किया था, वो तो श्रीलंका ने एंड में आके जो है गंद बंद किया था, बिल्कुल हाथ में था उनके मैच, फिर भी वो हार गए थे, और इफ्तिखार भाई ने आके वो ओवर कराए थे जिसकी वजह से कुछ हुआ था, अदरवाइज तो बॉलर हमारे उसमें भी गूं खा गए थे। खैर जो गालियां पड़ी हैं जय शाह साहब को, मतलब हमें श्रीलंकन भी इस मौसम के अंदर कोलंबो के अंदर मैचेस नहीं कराएंगे, लेकिन इन्होंने रखे हुए थे क्या कोई टूर्नामेंट। वो राणे टुंगे ने भी उस दिन मेरे ख्याल में कह दिया कि ये जो बोर्ड शोर्ड है, ये जो कह रहे हैं ना कि रिजर्व डे, वो बेसिकली पाकिस्तान इंडिया का उन्होंने रखा हुआ था और इन मैचेस, बाकी किसी मैच का रिजर्व डे था नहीं, तो उसके बारे में टुंगे ने भी कहा कि यार ये क्या बकवास है, बोर्ड बेचारे जो श्रीलंकन और यार, मतलब जे तुसी इन्नी पार्शियलिटी करनी सी कि इंडिया पाकिस्तान के लिए ही रिजर्व डे रखना सीगा, तो फिर फाइनल भी इंडिया पाकिस्तान का करा देंदे ना, हाइप क्रिएट कर देंदे, पैसे कमा लेंदे, 4 होर TRP मिल जाती। मतलब इस बार ना एशिया कप च क्रिकेट देखने को बिल्कुल नहीं मिली, सीरीयसली मतलब क्रिकेट देखने को नहीं मिली, बस बारिश देखने को मिली है, तो हारते हुए चेहरे देखने को मिले हैं, लेकिन इंडियन टीम का जो कमबैक हो ना वो काबिले तारीफ है भाई। बांग्लादेशी बोर्ड जो है उन्होंने
ट्वीट्स भी की थी, एक ही बंदे ने मेरे ख्याल लिख के दोनों तरफ से पोस्ट कर दी कि ये लगाओ। उसमें ये लिखा हुआ था कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल रजामंद है, मेरी एक टांग लकड़ी की है, इस किस्म के करके उन्होंने वो ट्वीट लगाई हुई थी कि बिल्कुल रजामंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रिजर्व डे ना दो इनको दे दो रिजर्व डे। हज़ार दफ़ा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि असल बाप जो है ना इस पूरी दुनिया का ही जो है वो वही है जिसके पास पैसा है, और ये सारे जो चैनल्स हैं ना जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ये उनका डंडा होता है, जैसे वो कहते हैं कि इस मेन बंदे बॉस हो रहे हैं यार। इंडिया भी आया इसीलिए है ये मैच खेलने के लिए, अदरवाइज उन्होंने तो ना किया होता कि हमने खेलना ही नहीं है तुम लोगों के साथ, क्योंकि उनको पता हम नहीं खेलेंगे, इनके जो थोड़े बहुत पैसे वो भी नहीं बनेंगे, तो हम क्यों उनको फायदा दें, हमें भी नुकसान होगा लेकिन इनको ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए वो ये कर लेते हैं। सो पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे, और ठीक है जी अपनी पंगे शंगे लिए हैं तो बस बर्दाश्त करें, और उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उनकी बारी है, जब हमारी बारी हुई कभी तो हम भी कर लेंगे। खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो इंडियंस को, क्योंकि उन्होंने वाकई दिखाया है कि क्यों वो डिजर्व भी करते थे ये एशिया कप, और वाकई सबसे बेहतरीन टीम भी यही थे इस टूर्नामेंट के अंदर, और राइटली ये श्रीलंका वाले तो वैसे आ गया, अगर तुमने आके इतना ही गंद करना था तो हमें आने देते भैया आगे आने के लिए। वैसे मैंने यही मैं कह रहे हैं यार, पाकिस्तान नु अगे ले आंदे ना, इंडिया पाकिस्तान दा मैच हुंदा लोकी एंजॉय ता करदे, एंड इन्नी जल्दी मैच खत्म तो नहीं होना सीगा जितना तो चाहे इंडिया नहीं सीगा। बताया था ना कि शुक्र है इज्जत से हार के जो है इधर से ही साइड हो गई, क्योंकि फाइनल में देखो होना चाहिए था, मूड में आया हुआ था इंडिया, कहीं ना कहीं शुक्र करो कि हम सामने नहीं आ गए, क्योंकि इस वक्त कंफर्म हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करनी थी और इसी तरह का कोई माहौल मचाओ। खैर जो प्रेडिक्शंस वगैरह की मैं बात कर रहा था, बातें तो फिर देखो ना तुम लोग फिर मानते भी नहीं। कुछ वीडियोस पहले मैं बता रहा था कि इनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि इनके आपस में कुछ चल रहा है, और अभी खबरें आ रही है कि आपस में ड्रेसिंग रूम में जो है फड्डे शड्डे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो सब चीज़ें पहले से ही चल रहा था, पता चल जाता है भाई, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, कैमरे शैमरे लगे होते हैं और से देखा कि ना आपको पता चल रहा है कि चल क्या रहा है इनके दरमियान, तो वो भी खबरें भी आ रही, बहुत से लोग कह रहे हैं कि फेक है फेक है, ठीक है आप समझते रहें जिस तरह भी है। मैं आगे और डिटेल में भी जा सकता हूँ कि क्यों जो है वो बीच में इनसिक्योरिटीज हो रही होती हैं, ब्रांड्स किन को ऑफर हो रहे हैं किन को नहीं हो रहे, कौन जो है वो नाराज हो रहा होता है, जेलसी टाइप हो रहा है कुछ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो फिर वो फोटोशूट भी करा रहे होते हैं और क्या कुछ हो रहा होता है, दोस्तों रहने दो बस ठीक है, लेकिन चल यही रहा होता है बात, जो है एंड में पैसे पे ही कहीं आ जाती है कि किसके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं किसके पास ज्यादा पैसे नहीं आ रहे। खैर दूसरा एक और भी मेरे ख्याल में हमने ये डिस्कस किया था कि इसकी इंजरी जो है वो पहले से ही कहीं होगी, और फिर उसको ही जब देखो ना छोटी मोटी इंजरी होती है पूरी टीम जो है पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह होता है, फिजियो वगैरह जो है वो देख लेते हैं, वो फिर रेस्ट करा देते हैं, लेकिन वो लगातार खेल रहे हैं। और आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि ये मेरा नहीं ख्याल कि पूरे वर्ल्ड कप भी खेल रहा है, और अभी ताज़ा खबर यही है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड कप जो है वो नसीम शाह मिस कर रहे हैं। आई होप कि ऐसा ना हो और कहीं वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंट मैच ज्वाइन कर ले, क्योंकि अभी पिछले तीन चार महीने से कोई ओडीआई की सबसे बेस्ट बॉलिंग करा रहा था इन हमारे जो ये पेस अटैक का वो बना हुआ था वो नसीम शाह ही था, और जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उस मासूम को उतनी विकेट्स नहीं मिल रही होती, वो जिस तरह की बॉलिंग करा रहा होता है वो डिजर्व करता है इससे कई ज़्यादा विकेट्स, और होता भी एक एंड के ऊपर अगर आपने प्रेशर बनाया हो दूसरा एंड वाला जो है उसको खेलने के चक्कर में फिर बैटर्स हो जाते हैं, क्योंकि रन रेट भी तो नीचे जा रही होती है, पावर प्ले चल रहा होता है, फिर उनकी भी थोड़ी इज्जत आई हुई होती है कि यार हमने पूरा ओवर जो है वो प्ले एंड मिस करके वो गुजार दिया है, तो अब अगले वाले को कम से कम एक दो चौका तो मारना पड़ेगा, हम भी बैटिंग करने के लिए यहाँ पे एक्सपोज हो रहा होता है ना बैटर बेसिकली, तो वो उस चक्कर में भी आउट हो जाते हैं। बट जित गई भी जित गई, इंडिया जित गई, फाइनली एशिया कप हो गया खत्म, वर्ल्ड कप होना हुण शुरू, तो हुण वर्ल्ड कप दे लई हो जाओ तैयार, अहमदाबाद दे विच इंडिया वर्सस पाकिस्तान, जिदा हमेशा रहिंदा सारिआं नूं बेसब्री नाल इंतजार, पर इस वार पता नहीं की किया यार एशिया कप नूं सीरीयसली मजा नहीं आया। क्रिक रिएक्ट दे मैं चार एपीसोड बनाए, उस तो बाद मेरा भी एपीसोड बनाउण दा मन ही नहीं कीता, मतलब पता नहीं क्यों इन्नी गंदी पॉलिटिक्स क्यों की गई है एशिया कप दे विच। चलो जो होना सी हो गया, निबड़िया काम, पर इंडिया जित गई, इंडिया दे कमबैक बहुत वधिया सी, क्या बात है यार, क्या बॉलिंग सी कल इंडिया ने, क्या बॉलिंग की है, मज़ा आ गया, मतलब श्रीलंका की टीम सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि यार ये हो की रहा है, मतलब असं किधरों की स्ट्रैटेजी बनाइए जिदे नाल असीं बच सकीए, मतलब वो की रहा एक दूजे मुँह वाल देख रहे हैं यार लुट्टे गए, मतलब एडी इस गंदी तरह नाल हारे है ना गल, कुछ तो यार तुहाडे शहर तुहाडे शहर कह रहे हैं तुहाडे देश दे विच मैच होण डिया तुहाडे ग्राउंड ते हो रहा है यार, कुछ तो मतलब इज्जत रख लैंदे, कुछ तो खेड लैंदे, की सीगा इह, मतलब इन्नी बुरी तरह नाल हारे है ना गल, तो इंडिया टीम बई बहुत जबरदस्त कल उन्हों का इनिंग्स रही सारिया, चाहे उन्होंने बॉलिंग होवे फील्डिंग होवे सारा कुछ जिन्ना चिर भी मैच चलिया बा कमाल से, मतलब कि 1.5-2 घंटे के मैच खत्म करके उपर आएंगे, कहते लो जी चलें टाटा बाय बाय ट्रॉफी हो गई साड़ी, सो क्या बात सी, मज़ा आ गया भी। तुहानू किदां लग्या भी कल का मैच देख के, की विचार है तुहाडे, इंडिया पाकिस्तान नू देखना चाहुंदे सी
कि नहीं देखना चाहते सी? मतलब देखो ये तो फॉर श्योर है कि पाकिस्तानी टीम ने हारना सी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम दे विच जो वाद विवाद चलन रहे है वो देख रहा सी, जिहड़े उन्होंने प्लेयर्स इंजर्ड हुए है, जो उन्होंने बॉलिंग अटैक नू जो कड़मस जी मच गई सी, सो उस चीज़ तो तो अलग ही रहा सीगा कि हाँ पाकिस्तान ने तो हारना ही है। तो इंडियन टीम जिस एक गति दे नाल अगे वधी है ना वो बाकमाल है, जितना उन्होंने सी चाहे इंडिया पाकिस्तान हुंदा। पर गल ए सी कि जे हुंदा तां मज़ा जरूर आउंदा, फैनस नू क्रिकेट देखन नू जरूर मिलदी, ठीक है, क्रिकेट पक्का देखन नू मिलदी। लेकिन हुण वी कई लोग इत्थे कहणगे कि नहीं नहीं पाकिस्तान ने जित जाणा सी, पर मेरे वीर पता लग जांदा यार, आपां ऑब्जर्व करदे जदों सारे मैचेस देखदे हैं, सारा कुछ देखदे हैं, तां पता लगदा है कि कौन किन्ने मोमेंटम 'च है। जदों स्टार्ट होया सी एशिया कप तां जिन्ना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी टीम दे विच सी ना, नंबर वन वर्ल्ड दी ODI टीम, ठीक है, उन्ना कॉन्फिडेंस किसी विच नहीं सी। इंडियन टीम की स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार हुई सी, लेकिन जिस तरह नाल बाद विच कमबैक होया ना, जदों KL राहुल ने इनिंग्स खेडिया, शुभमन गिल ने खेडिया, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, उस तो बाद पता लगा कि हाँ इंडियन कमबैक कर रहे हैं। एंड उस तो बाद भी पाकिस्तानी शाहीन अफरीदी भी घबरा गए सी उन्होंने इस बॉलिंग सॉरी बैटिंग अटैक तो, ठीक है, तो जिहड़ा कॉन्फिडेंस जरूर डाउन होया। शाहीन अफरीदी ते बाबर आजम दियां खबरां वायरल हो रही, कुछ झूठियां कि सच्चियां कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ तो फड्डा पक्का होया, कुछ तो होया जिहड़ा आपां नहीं पता, लेकिन कुछ तो होया। बाकी ऐसी अज्ज दी वीडियो क्रिकेट रिएक्ट दे एपीसोड आउणगे वर्ल्ड कप ते, चैक जरूर कर लिया करो, चैनल कर लो सबसक्राइब, मिलते हैं किसी होर वीडियो 'च, सत श्री अकाल।